हम किसी एक संख्या को एक ही संख्या से भाग देते हैं, नॉर्मल भाग। लेकिन अगर किसी एक संख्या को कई सारे डिवीजर से भाग दिया जाए तो उसे बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। बोला है वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 5, 3, 7 से क्रमिक लगातार भाग करने पर शेषफल 2, 1, 2 बचे। जब भी ऐसा सवाल है आपको वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसको 5 से 3 से 7 से डिवाइड करने पर जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है बेटा, वो कितना बचना चाहिए? 2, 1, 2 आना चाहिए। छोटी से छोटी संख्या अगर आपको निकालनी है तो मेरे दोस्तों आपको यहाँ पे फाइनल जो है 0 लेना पड़ेगा क्वेश्चन। मेरे प्यारे भाई ये देखिए 7 × 0 = 0, 0 में 2 जोड़ेंगे मेरे प्यारे भी 2 आएगा। 3 × 2 = 6, इनकी गुणा करो और 1 जोड़ दो। 3 × 2 = 6 में 1 जोड़ेंगे 7 आएगा। 3 × 2 = 6 = 7 आएगा भैया। 5 × 7 में गुणा करेंगे 35, 35 में आप 2 ऐड करेंगे 37, तो वो सबसे छोटी संख्या 37 आ गई, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, अब ये वाला आप मुझे करके दिखाएंगे। मेरे सभी प्यारे बच्चे इस सवाल को देखे, इस सवाल में इतने डाउट है, कमेंट बॉक्स में इतने डाउट भरे पड़े, कोई बताने वाला है ही नहीं सच्चाई। ऐसा क्या बिल्कुल हमारे पे क्या आता ही नहीं क्या? समझो भाई, 137 इसका आंसर है। बच्चों को पता ही नहीं है बच्चों को भाग कैसे करना है, वे क्या कर रहे 7 से भाग देकर देख रहे तो जी 4 आ रहा होगा, 8 से भाग देकर देख रहे तो यहाँ 3 नहीं आ रहा होगा। बालक कमेंटों में बेरोबीरान हो रहे, सर रिमाइंडर, सर शेषफल 3 नहीं आ रहा, सर कैसे है इसका आंसर 37। अरे भैया इनकी रियलिटी समझो आप, ये सवाल कैसे है समझो मेरी बात आप। ये ऐसे है कर्मिक रूप से देने का मतलब पता क्या है, पहले 7 से भाग करी, फिर जो भी आपका भागफल आया उस भागफल को 8 से भाग करा, फिर इसका जो भागफल आया तो 9 से भाग करा। ऐसा है सवाल, समझ आप मेरी बात। इसका 137 कैसे आता है, छोटी छोटी का मतलब क्या है वो, जबकि रियल रूप में छोटी छोटी पूछ रखी है लेकिन सवाल ऐसे आता है कि 8, 9, 7, 8, 9 से भाग देने पर 4, 3, 2 से ऐसा है। यदि इसी संख्या को कुछ भी नाम दे दो 5, 6, 7 से भाग करें तो क्या शेषफल हो गए, समझो इन चीज़ों को आप। देखिए आप 137 की बात बाद में करूँगा आपसे, पहले इसका रियल समझिए आप। पीछे चला गया इस सवाल है पीछे से, अब 2 से ऐसा रहा 9 से भाग करने बाद, तो एक काम करो 9 और 2 = 11 लिख दो ना आप भाई, 9 = 9, 2 आ गया शेष। जो क्या है जो आपका भागफल होता है इसका, अब 8 से 11 पर कटा 3 शेष, 11, 8, 88 और 3 कितना हो गया मेरे भाई 91 हो गया। अब यो क्या है, यो इसका भागफल है 91 यहाँ है। देख लो आप 7 × 7 = 9, 7 = 63 और 4 शेष है तो 4 ही जोड़ दो आप, कितना हो गया 641। अब यो सवाल अगर आ गया होता छोटी छोटी ना हो गए कि जब किसी क्रमिक संख्या को 7, 8, 9 से भाग करे ये शेष बचता है, इसी संख्या को 5, 6, 7 से भाग करे तो क्या शेष बचेगा, आप बिल्कुल कर लो बेधड़क होगा, क्या दिक्कत है। लेकिन छोटे छोटा 137 आ रहा है, ये कैसा आ रहा है आप भी समझे, 2 शेष आ रहा है, ये क्या करते हैं यहाँ इसको ये 2 ही दिखा दें यहाँ कि भैया जो जो 2 है वो 9 से छोटा है, जो छोटा है जो कटता नहीं वो शेष ही माना जा, तो शेष ही माना जाता है। यानी कि हमने यहाँ 11 की जगह 9 = 9 और 2 = 11 करा है, हमने जो शेष फल है इसको यही रख दो आप, जो 9 से नहीं कटा जो शेष फल है। अभी 2 कहाँ से आए, यो 2 जो हैगा यो 2 इसका भागफल है, इसका भाग, क्लियर है। अब देखो 8 से 2 पर कटी है, 8 × 16 = 17, 18, 19 यो आ गया 19, 19 को यहाँ रखो यो इसका भागफल है। अब देखो 19 × 7 देखो आप, 9 × 7 = 63 का हासिल लक्ष्य है, 7 × 7 = 13, इतना 133 और 4 शेष है, 133 + 4 ये आ गया आपका 137। ये इस प्रकार है बच्चों, जरा फुल सिखाए भाई, दमदार तरीके से, डाउट ना छोड़ दे आप।